आदाब एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं भी खैरियत हूँ। आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आए हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपको कबाब की बता चुकी हूँ। आज जो हम कबाब बना रहे हैं वो बहुत ही डिलीशियस कबाब बनेंगे और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। थोड़ी सी रेसिपी में चेंजिंग करी है मैंने, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये कीमा लिया है मैंने मशीन का, ये आप देख सकते हैं मैंने धो के रख लिया है कीमा। अच्छी तरीके से पानी निकल गया है सारा इसका, ये देख लें आप, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। ये दही लिया है मैंने, दही को फेंट के रख लिया है। इसके अलावा दो खाने के चम्मच पिसावा लहसुन है, दो खाने के चम्मच अदरक है। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया बारीक, धनिया और पुदीने को भी बारीक काट लिया है। ये कबाब में मसाला डालेंगे, नमक है और ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ मैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीमा लेंगे मशीन वाला, ये बड़े का कीमा लिया है मैंने, बीफ कीमा है। अब इसमें हम सबसे पहले लहसुन अदरक डालेंगे जो मैंने पीस के रखा हुआ है, ये इसमें मिलाएंगे। ये डाल दिया इसमें। अब इसमें दही डाल रही हूँ मैं दो चम्मच। देख लें दो चम्मच दही डाल दिया मैंने। इसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे, ये ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्चें, धनिया पुदीना, नमक। नमक और मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा। मसाले में मैंने जो सारा मसाला एक साथ कर लिया, इसमें मसाले में जो है लाल मिर्चें पिसी हुई भी हैं, कुटी हुई भी हैं, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला पिसा हुआ शामिल है, वो सब इसमें मैंने एक साथ मिला के रखा हुआ है बना के, तो मैं वो डाल दे रही हूँ इसमें। ये सारा डाल दिया हमने इसमें। अब इसे मिलाएंगे हाथ से अच्छे से, अब अच्छे तरीके से मिलाना है। ये देखिए अच्छे से मिला लिया मैंने, 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे मिला के। अब एक प्लेट ले ली, इसमें हम कबाब बनाएंगे। ये देखिए मैं थोड़े से लेके कबाब बना रही हूँ। कबाब को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको, अगर गोल बनाने गोल बना लें, लंबे बनाने लंबे, या टिक्की बनानी है तो टिक्की, जो भी आपको शेप देनी है वो आप दे सकते हैं। ये मैंने सारे कबाब बना के प्लेट में रख लिए हैं। आप तवा धो के मैं चूल्हे पे चढ़ाऊंगी। तवा धो के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, इस पर हल्का सा तेल लगा दिया है। अब एक एक करके नीचे हाथ करके इन्हें फ्राई करेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे, मैंने पलट दिए हैं। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। चूल्हे की आँच आहिस्ता रखिएगा, आहिस्ता आँच में पकाने ताकि अच्छे से हो जाएं। तेज़ आँच में चीज़ जल जाएगी, इसलिए आहिस्ता आँच रखी है मैंने। ये हमारा हो गया, मैं इसे निकालूंगी एक एक करके प्लेट में। ये फ्राई हो गया था, ये हमने निकाल लिया, इस तरह निकाल के रख लिए मैंने प्लेट में। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी कबाब की। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा मैंने गार्निशिंग में प्याज रखी है, दही रखा है सादा, और केचप। आप चटनी, कैरी की चटनी या इमली की चटनी भी से लगा के खा सकते हैं। मायने जहाँ भी रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।